मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया पूर्ण विचार याचिका। महाराष्ट्र सरकार ने दो दिन का मानसून अधिवेशन का किया ऐलान, 5 और 6 जुलाई को होगा अधिवेशन। अधिवेशन पर देवेंद्र फडणवीस का हमला, कहा सरकार है या तमाशा, बार और कार्यालय के उद्घाटन में भीड़ चलेगा। प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन और प्रसाद लाड ने रोकी मुख्यमंत्री की गाड़ी, कहा हमें भी गाड़ी के अंदर लो, मुख्यमंत्री ने दिया जवाब, कहा इनको भी शिवसेना में लो। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में जुटे शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में राष्ट्र कार्य समिति की हुई बैठक। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर का महाविकास आघाड़ी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा सवालों से बचने के लिए दो दिनों का अधिवेशन, तीनों दलों में समन्वय नहीं, कई मंत्री घोटाले में फंसे। टीआरपी घोटाले में अर्णव गोस्वामी, प्रिया मुखर्जी, पार्थदास गुप्ता के खिलाफ मुंबई पुलिस ने चार्जशीट की दाखिल। कांदिवली ईस्ट के पोईसर के चाली में लगी आग, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने जान जोखिम में डालकर बड़ा हादसा टाला। प्रताप सरनाईक के लेटर बम पर आज महाविकास आघाड़ी सरकार की हुई बैठक, बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा एमवीए में कोई मतभेद नहीं। शरद पवार के घर आयोजित विपक्ष की बैठक में शिवसेना और कांग्रेस के नेता नहीं हुए शामिल, संजय राउत ने कहा ये बैठक विरोधी पक्षों की नहीं, यशवंत सिन्हा के राष्ट्रमंच की है। 2024 चुनाव पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा ठाकरे सरकार सोती रहेगी, भाजपा ज्यादा वोटों के साथ चुनाव जीत जाएगी। मुंबई में आज आए कोरोना के 570 नए मामले, 742 मरीजों ने कोरोना को दी मात। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 10 मरीजों ने गवाई जान, वहीं शहर में 14,453 केस एक्टिव। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि, राज्य में 7,500 लोगों की जांच में इस खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के 21 मरीज पाए गए संक्रमित। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 मरीज हुए संक्रमित, वहीं रत्नागिरी में सबसे ज्यादा 9, जलगांव में 7 और पालघर थाने सिंधुदुर्ग में 1-1 मामले आए सामने। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने फिर दोहराया एकला चलो का राग, कहा कांग्रेस के विस्तार के लिए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना जरूरी। नाना पटोले के अकेले चुनाव लड़ने के बयान से महाविकास आघाड़ी सरकार में बढ़ी दरार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पटोले के बयान पर जताई नाराजगी। थाने में आ जाए कोरोना के 73 मामले, 111 मरीज हुए ठीक और एक भी मौत नहीं। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर पर 5,000 का जुर्माना, चांदीवाल कमीशन के सामने बयान से गैर हाजिर रहने पर लगाया गया जुर्माना। मीरा भाईंदर में आज आए कोरोना के 36 मामले सामने, 26 मरीज हुए ठीक और एक व्यक्ति ने गवाई जान। अरे क्या है, मीरा भाईंदर में आज आए कोरोना के 36 मामले सामने, 26 मरीज हुए ठीक और एक व्यक्ति ने गवाई जान। राज्य के कोरोना मुक्त गांवों में जल्द शुरू होगी 10वीं और 12वीं की क्लास, शिक्षक विभाग के बैठक में मुख्यमंत्री ठाकरे ने दिए निर्देश। मुंबई के राजवाड़ी अस्पताल में चूहे ने एक मरीज की आईसीयू में आग खाने की कोशिश, मेयर किशोरी पेडनेकर ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में कोरोना के तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए 5 नए कोविड सेंटर का किया गया उद्घाटन, मलाड, महालक्ष्मी, कांजुरमार्ग, नेस्को सेंटर 2 और सोमैया ग्राउंड में खुला कोविड सेंटर। मुंबई में आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल का दाम बढ़कर 103.63 रुपए प्रति लीटर हुआ, वहीं डीजल 95.72 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,470 मामले हुए दर्ज, 9,043 मरीज हुए ठीक और 188 मरीजों ने गवाई जान।